हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग रोलेट एक्ट के बारे में देखेंगे। 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश भारत काल के दौरान लागू किया गया एक कानून था। यह 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक विधान परिषद अधिनियम था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा अधिनियम 1915 में लागू किए गए निवारक अनिश्चितकालीन हिरासत, बिना मुकदमे के कारावास और न्यायिक समीक्षा के आपातकालीन उपायों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों द्वारा युद्ध के दौरान हुई समान साजिशों में फिर से शामिल होने के कथित तौर के मद्देनज़र अधिनियमित किया गया था, जिसे सरकार ने महसूस किया कि भारत रक्षा अधिनियम की समाप्ति एक से सक्षम बनाएगी। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया, जिससे पुलिस को बिना किसी कारण से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति थी। अधिनियम का उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार को रोकना था। महात्मा गांधी ने लोगों से अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। रोलेट समितियों की सिफारिश का पारित और इसके अध्यक्ष पर सर सिडनी रोलेट के नाम पर इस अधिनियम ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश भारत में रहने वाले आतंकवाद के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक कैद करने का अधिकार दिया और औपनिवेशिक अधिकारियों को सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने की शक्ति दी। लोकप्रिय कानून से प्रेस पर सख्त नियंत्रण, बिना वारंट की गिरफ्तारी, बिना मुकदमे का अनिश्चितकालीन नज़रबंदी और निषिद्ध राजनीतिक कृत्यों के लिए जूरी रहित कैमरा परीक्षणों का प्रावधान किया। अभियुक्तों को आरोप लगने वाले और मुकदमे में इस्तेमाल किए गए सबूतों को जानने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया उन्हें रिहा होने पर प्रतिभूतियां जमा करने की आवश्यकता और उन्हें किसी भी राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक गतिविधि में भाग लेने से प्रतिबंध किया गया था। न्यायमूर्ति रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर 6 फरवरी 1919 को केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल पेश किए गए। इन बिलों को ब्लैक बिल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पुलिस को किसी स्थान की तलाशी लेने और किसी व्यक्ति के बिना वारंट के गिरफ्तार करने की भारी शक्तियाँ दी। बहुत विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया। रोलेट एक्ट 1919 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अधिनियम को सुचारू एवं क्रियान्वयन के लिए मुकदमे और जमानत पर रिहाई के बीच अभियुक्त तत्काल हिरासत पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। अधिनियम में धारा 22 और 27 के तहत जारी भी थी आदेश की अवज्ञा के लिए दंड का भी प्रावधान है, जो अधिकतम 6 महीने कैद एवं 500 रुपये का जुर्माना था। महात्मा गांधी अन्य भारतीय नेताओं के अलग अधिनियम के अत्यधिक आलोचना की और तर्क दिया कि अलग अलग राजनीतिक अपराधों के जवाब में कभी भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मदन मोहन मालवीय, मजारुल हक और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद अली जीना ने अधिनियम के विरोध में शाही विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस अधिनियम ने कई अन्य भारतीय नेताओं और जनता को भी नाराज कर दिया, जिनके कारण सरकार ने दमनकारी उपायों को लागू किया। गांधी और अन्य लोगों ने सोचा कि उपाय का संवैधानिक विरोध नहीं रह सकता, इसलिए 6 अप्रैल को हड़ताल हुई। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें भारतीयों ने कारोबार को निलंबित कर दिया और हड़ताल पर चलने गए। अपने विरोध के संकेत के रूप में ब्लैक एक्ट के खिलाफ उपवास, प्रार्थना और सार्वजनिक बैठकों की और कानूनों के खिलाफ स्वान्याय अवज्ञा की पेशकश की। महात्मा गांधी ने मुंबई में समुद्र में स्नान किया और माघव बाग मंदिर का जुलूस निकालने से पहले भाषण दिया। यह घटना असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन 1919 की शुरुआत में पंजाब प्रांत के अंबाला में वकील झंडा सिंह ज्ञानी की अध्यक्षता में हुआ। यह रोलेट एक्ट ही था जिसने गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा में ला खड़ा किया। भारतीय राजनीति में गांधीवादी युग की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में गांधी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का वर्णन। 1919 की शुरुआत में वे बहुत बीमार थे और मुश्किल से ही इसे उभरे थे कि पूरे देश में रोलेट एक्ट बिल आंदोलन फैल गया। उन्होंने सार्वभौमिक आक्रोश में अपनी आवाज़ मिलाई, लेकिन यह आवाज़ किसी तरह दूसरों से अलग थी। यह शांत और धीमी थी, फिर भी यह भीड़ के चिल्लाने के ऊपर सुनी जा सकती। यह नरम और कोमल थी और फिर भी ऐसा लग रहा था इसमें कहीं ना कहीं इस्पात छिपा हुआ। यह विनम्र और आकर्षक थी और फिर भी इसमें कुछ गंभीर और भयावह था। इस्तेमाल किया गया हर शब्द अर्थ से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था इसमें एक घातक गंभीरता है। शांति और मित्रता की भाषा के पीछे शक्ति और कार्रवाई की कांपती छाया और गलत के आगे ना झुकने का दृढ़ संकल्प था। यह हमारी रोजाना की निंदा की राजनीति में बहुत अलग थी। लंबे भाषण हमेशा विरोध के उन्हीं निरर्थक और अप्रवासी प्रस्ताव पर समाप्त होते थे जिन्हें कोई भी बहुत गंभीरता से नहीं लेता। यह बातचीत की नहीं करवाई गई।
हालांकि 30 मार्च को दिल्ली में हड़ताल की सफलता बढ़ते तनाव से प्रभावित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब, दिल्ली और गुजरात में दंगे हुए। यह निर्णय लेते हुए भारतीय अहिंसा के सिद्धांत के अनुरूप रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, जो सत्याग्रह का एक अभिन्न अंग है। हिंसा का उपयोग किए बिना ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने कानूनों और अवज्ञा करना गांधी के प्रतिरोध को निलंबित कर। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ। पंजाब में विरोध आंदोलन बहुत मजबूत था। 10 अप्रैल को कांग्रेस के दो नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गुप्त रूप से धर्मशाला ले जाया गया। 13 अप्रैल को पड़ोसी गांव के लोग बैसाखी दिवस समारोह के लिए और अमृतसर में अपने निर्वासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र। इसके बाद सेना ने पंजाब को बुलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दमनकारी कानून समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने मार्च 1922 में रोलेक्ट एक्ट, प्रेस एक्ट और 22 अन्य कानूनों को निरस्त कर दिया। तो ये थे रोलेक्ट एक्ट रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।